पैटर्न इज द सॉलिड फॉर्म दैट यूज टू मेक अ मोल्ड कास्टिंग या उन्होंने देखा था कि सबसे कास्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को फेस पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए देर आर पर्टिकुलर शेप एंड डिजाइन टू यूज मोल्ड पैटर्न क्या है पैटर्न इज अ सॉलिड फॉर्म दैट इज़ यूज टू मेक द मोल्ड इवन थ्रू अ पैटर्न जनरली री रीऐसेंबल्स द कास्टिंग बीन प्रोड्यूस्ड

उसका रिजल्ट है मे बी रिजल्ट फॉम अ गुड पैटर्न ड्यू टू द वेरियस अदर फैक्टर्स बट अ पुअर पैटर्न वुड नेवर मेक्स अ गुड कास्टिंग पुअर कास्टिंग मे बी रिजल्ट फॉर गुड पैटर्न ड्यू टू वेरियस अदर फैक्टर्स बट अ पुअर पैटर्न वुड नेवर मेक अ गुड कास्टिंग एंड द प्रोस्पेक्टिव ऑफ डिज़ाइन की बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ पैटर्न डिपेंड्स करता है अपॉन द शेप और कॉम्प्लिकसिटी ऑफ द कास्टिंग द मटीरियल ऑफ द कास्टिंग मटीरियल ऑफ द कास्टिंग एंड ऑफ द पैटर्न टाइप ऑफ मोल्डिंग एडोप्टेड एंड द नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस तो इन देवास की जो पैटर्न होता है वो सॉलिड फॉर्म है जिसका हमें यूज करते हैं मोल्ड रहने के लिए जबकि थ्रू द पैटर्न जरली हम उसको रिसंबल कर सकते हैं कास्टिंग बिंग प्रोड्यूस हो सकता है और ये डिफर करता है कास्टिंग इन टर्म्स ऑफ सर्टन अलाउंसेज और जो रिक्वायर्ड प्रोड्यूसिंग करना करेक्ट शेप और डायमेंशन और एलिमिनेट करना जो कुछ माइनर डिटेल्स जो कि टू कॉम्प्लिकेटेड हो या टू स्मॉल होता है टू प्रोड्यूस बाई कास्टिंग आर लेफ्ट टू बी प्रोड्यूस लेटर बाई मशीनिंग पैटर्न जो होता हैज़ टू डिज़ाइनेट टू फैसिलेट करना मोल्डिंग और इंश्योर करना गुड क्वालिटी कास्टिंग क्वालिटी जो होती है कास्टिंग की वो प्रोड्यूस करती है डिपेंड करती है उसकी डिज़ाइन और पैटर्न पर और मटेरियल और कंस्ट्रक्शन पर पुअर कास्टिंग जो होती है उसका रिजल्ट होता है फॉर अ गुड पैटर्न पुअर कास्टिंग मे बी रिजल्ट फॉर गुड पैटर्न ड्यू टू द ड्यू टू द वेरियस अदर फैक्टर्स बट अ पुअर पैटर्न वुड नेवर मेक अ गुड देन जो डिज़ाइन ऑफ पैटर्न डिपेंड करता है उसके शेप पर उसकी कॉम्प्लिकसिटी पर ऑफ द कास्टिंग पर और साथ ही साथ मटेरियल ऑफ द जो कास्टिंग है और पैटर्न है टाइप ऑफ मोल्डिंग एडॉप्टेड और नंबर ऑफ जो कास्टिंग है वो जो प्रोड्यूस हो रही है हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ पैटर्न आर द टाइप्स ऑफ पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न की बात करते हैं तो देर डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन पैटर्न कैन बी क्लासीफाइड पहला लूज पैटर्न होता है गेटेड पैटर्न होता है मैच प्लेट पैटर्न होता है कोप और ड्रैग पैटर्न होता है पैटर्न डिवाइसेस cell pattern, build-up patterns and also a lagged up patterns. There are a simple design of pattern can be classified loose pattern, gated pattern, match plate pattern, cope or drag pattern, pattern devices, cell patterns and also a build-up patterns, lagged up patterns. In the first that is loose pattern, loose pattern पैटर्न हैं जो कि नॉट कनेक्टेड टू अदर पैटर्न या माउंटेड ऑन द प्लेट इन दिस लूज पैटर्न जो होगा फर्दर क्लासीफाइड करते हैं सिंगल सॉलिड या सिंगल पीस पैटर्न में या सेल्फ कोर पैटर्न स्प्लिट पैटर्न लूज पीस पैटर्न तो दिस इज डायग्राम इन दिस डायन दैट इन दिस डायट देर सॉलिड पैटर्न

और ये माउंटेड होता है तो तो इंटायर कैविटी इन द वन बॉक्स में और सिंपलेस्ट टाइप सॉलिड पैटर्न का इज वन विद अ फ्लैट बेस सच पैटर्न कैन बी मोल्ड इन वन बॉक्स ओनली और साथ ही साथ विद अ फ्लैट सरफेस फॉर्मिंग और पार्सिंग लाइन बिटवीन द टू फ्लास्क जब हम लोग यूज करें सॉलिड पैटर्न का तो जो मोल्डर है मोल्डर हैज़ टू कट इज़ ऑन रनर फीडिंग गेट्स एंड राइजर जो कि टेक अ टाइम टच पैटर्न्स आर नॉट यूजफुल एक्सेप्ट द लिमिटेड प्रोडक्शन बिकॉज सिंगल पैटर्न या सॉल पैटर्न है और जनरली इनको हम लोग बनाते हैं लकड़ी से और ये पैटर्न जो होते हैं बहुत ज़्यादा इन एक्सपेंसिव होते हैं ऑल पैटर्न के कंपेयर में जबकि सेकेंड पैटर्न को आप देखेंगे सेल्फोर पैटर्न को तो ये जो पैटर्नस होते हैं ये हॉलो पोर्शन होता है इनके अंदर हॉलो पोर्सन और स्ट्रेट ड्राफ्ट होता है जिसमें कि यूज़ करते हैं प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन ड्यूरिंग द मोल्डिंग प्रोसेस इट सेल्फ इस तरह के इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं वो एलिमिनेट करते हैं नीड ऑफ फोर बॉक्स थर्ड वन इज द स्प्लिट पैटर्न स्प्लिट पैटर्न में क्या होता है इस पैटर्न में हम कैन नॉट बी मेड इन अ सिंगल पीस बिकॉज दे एयर बैक ड्राफ्ट जो कि विच डज नॉट परमिट करता है दे एर विद्रॉल इस तरह के जो पैटर्नस होते हैं वो स्प्लिट करते हैं इंटू टू पार्ट्स में और ये जो पैटर्नस होते हैं स्प्लिट इस uh, इस तरह से कि सच अवे दैट जो दो पार्ट्स हैं वो बाई हैव नो नो बैक ड्राफ्ट एक पार्ट जो होता है स्पिट होता है पैटर्न का जो कि मोल्डेड uh, होता है इन द डैग में और दूसरा जो होता है कोप में और ये जो पैटर्न्स होते हैं ये आर uh, uh, so, uh, so, uh, so हेल्ड इन रिलेटिव पोजिशन बाय डबल पिंस दीज आर द डबल पिंस एंड सो 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 टू इंश्योर प्रॉपर लोकेशन ऑफ द पार्ट ड्यूरिंग मोल्डिंग और इनमें जो कास्टिंग होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप में होती है बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड शेप के लिए होती है मे बी रिक्वायर्ड फॉर पैटर्न इज मेड इन थ्री या मोर पार्ट्स इंस्टेड ऑफ टू और स्प्रिट पैटर्न जो होते हैं उनको हम लोग मल्टी पीस पैटर्न भी बोलते हैं और ये रिक्वायर होते हैं मल्टीपल फ्लास्क वन फ्लास्क ईच पार्ट ऑफ द पैटर्न इन मोल्डिंग मतलब यहाँ पर जो है uh, कुछ कास्टिंग जो समस्टिंग पैटर्न uh, जो होते हैं रिक्वायर होते हैं फॉर पार्ट बैक ड्राफ्ट इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी मेड इन टू स्प्रिट पैटर्न इन दिस पैटर्न इन दिस पैटर्न दार्टो होते हैं विद ड्राफ्ट जो कि मेड इन पीसेज दूस सेपरेटली आसानी से निकल सकते हैं और इनको फिर फर्दर मोल्ड कर सकते हैं मेन बॉडी ऑफ दिन लूज पीसेस होते हैं इनिशली लूज पीस बेसिकली प्लेस ड्यूरिंग मोल्डिंग विद द हेल्प ऑफ पिंस because they have the help of pins or yes, slides but uh, when the main body is withdrawn vertically, the loose pieces are left inside the mold and the loose pieces jo are thin are then withdrawn sideways and pull up through the cavities made up by the main piece and loose pieces have the advantage of a low pattern cost but normally take longer in molding.

और गेटेड पैटर्न का जो यूजफुल होता है जब नंबर ऑफ़ स्मॉल कास्टिंग को हम लोग को प्रोड्यूस करना होता है गेटेड पैटर्न बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं जब हम लोग नंबर ऑफ स्मॉल कास्टिंग को प्रोड्यूस करना होता है और अफकोर्स ये जो पैटर्न होते हैं इनको हम डू एड एन एक्स्ट्रा ऑपरेशन ऑफ सपरेटिंग इंडिविजुअल कास्टिंग और साथ से साथ आफ्टर दे हैव सॉर्डिफाइड अलॉन्ग विद द गेटिंग सिस्टम बट द ओवरऑल टाइम फॉर कास्टिंग पर पीस इज मच लोअर देन द कास्टिंग वर प्रोड्यूस इन द इंडिविजुअल मोल्ड्स उसको डायग्राम खोल यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं व्हाट इज द डायग्राम टू शो दैट दिस इज अ डायग्राम इन देयर डायग्राम यू हैव सीन दैट देयर आर वन पीसेस गेटेड पैटर्न देयर आर अ स्प्लिट गेटेड पैटर्न तो दिस इज द डायग्राम शोस बोथ लूज पीसेस पैटर्न्स एंड गेटेड पैटर्न्स आर मोर सूटेबल फॉर हैंड मोल्डिंग दिस इज द डायग्राम देयर आर पैटर्न्स दिस गेट एंड देयर आर वन पीस गेटेड पैटर्न And B figure is shows that split gated pattern. We consider out that next is match plate pattern. What is a match plate pattern? And there are a match plate pattern. Match plate patterns you have a pattern halves mold mounted on two side of pattern plate or align with reference of with reference to aligning pins on the plate. और बेसिकली ये डिज़ाइन होते हैं टू वर्क विद मैच प्लेट मोल्डिंग मशीनिंग और फॉर हाई प्रोडक्शन रेट पर और बेसिकली दो जो हाफ्स हैं हाफ मोल्ड के वो मेड विद द पैटर्न हाफ्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द पैटर्न प्लेट और असेंबल्ड फॉर पोरिंग जब असेंबल हो जा रहे हैं दोनों मोल्ड हाफ मैच तो मैच प्लेट पैटर्न जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बट इनकी कॉस्ट जो होती है कैन बी जस्टिफाई हो जाती है बिकॉज ऑफ क्वान्टी प्रोडक्शन इज़ लार्ज क्योंकि मोल्डिंग जो होती है डन होती है ऑन मशीन पर मैच प्लेट पैटर्न जो प्रोड्यूस करते हैं कास्टिंग विच आर मोर एक्यूरेट देन दो प्रोड्यूस बाय हैंड मोल्डिंग नेक्स्ट वन इज़ दैट इज योर कोप एंड ड्रैग पैटर्न देर कोप एंड ड्रैग पैटर्न देर एज साइज ऑफ कास्टिंग इंक्रीजेस इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू हैंडल मैच प्लेट जैसे जैसे कास्टिंग के साइजेस बढ़ते जाते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफेंट होता है उनको हैंडल करना है और मैच प्लेट के थ्रू तो मीडियम और लार्ज साइज कास्टिंग के लिए सेपरेट पैटर्न प्लेट्स का यूज़ करते हैं मेड फॉर कोप एंड ड्रैग हाउस और जो पैटर्न्स होते हैं वो हाउस आर जोमेट्रिकली लोकेटेड होते हैं रेफरेंस टू एलिमेंट अलाइनिंग पिंस या होल्स इन द पैटर्न प्लेट्स फॉर प्रॉपर मशीनिंग कोप और ड्रैग आर सेपरेटली मेड और मे ऑन डिफरेंट मोल्डिंग मशीन बाई डिफरेंट वर्कर्स और असम्बल मशीनिंग और जिसमें की uh, जो हम बात करते हैं जब साइज ऑफ कास्टिंग जो होती है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है लार्ज हो जाती है तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर होते हैं ऑनली वन या टू या फुल पैटर्न जनरली प्रूव अन तो पैटर्न डिवाइस जैसे कि हम लोग स्वीप सेगमेंट स्केल्टन और हॉलो स्केल्टन एंड फॉलो बोर्ड्स का यूज करते हैं और इस तरह के जो केसेस होते हैं टू सेव ऑन पैटर्न कॉस्ट दिस डायग्राम स्वीप सेगमेंटल पैटर्न स्केल्टन पैटर्न और स्टिकल एंड दिस स्टिकल एंड ऑल्सो फॉलो बोल्ट तो दिस इज दैटर्न डिवाइस एंड आर द टू टेम्पलेट्स आर द टेम्पलेट जिसमें कि स्विफ्ट अराउंड सेंट्रल पिलर और जो कि प्रोड्यूस कर रहा है शेप ऑफ द मोल्ड और कोर इन सैंडफी अराउंड द पिलर सेकेंड जो पार्ट होता है मोल्ड का सेकेंड पार्ट ऑफ द मोल्ड जो कि प्रोड्यूस करता है बाई यूजिंग द मोल्ड मेड विद देल्प ऑफ द स्वीप स्वीप्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग मोल्ड्स फॉर एक्सेस सेमेट्रिकल कास्टिंग जैसे कि व्हील्स रिम्स और बेल सेप्स के लिए यूज करते हैं सेगमेंटल पैटर्न की बात करते हैं तो सेगमेंटल पैटर्न जैसे कि आप diagram में दे सकते हो दिसगमेंटल पैटर्न डायग्राम दिसगमेंटल पैटर्न इन तरह सेगमेंटल पैटर्न जो पैटर्न डिजेस्ट सेगमेंट्स है उसका हम लोग यूज करते हैं मोल्ड इन पार्ट जैसे कि स्वीप सेगमेंटल पैटर्न और यूज फॉर एक्सेमेटिकल कास्टिंग जैसे कि रिंग शेप्ड कास्टिंग और इसका यूज करते, है uh, करते हैं तीस पैटर्न का वर्टिकल स्पेंडल इज फर्स्ट फॉर्मली फिक्सड अबाउट विच द पैटर्न इज मूव इन अ सेगमेंट आफ्टर वन पार्ट ऑफ द मोल्ड रिमैव द पैटर्स को मूव करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट टेकिंग केयर टू अलाउ फॉर सफिशियंट ओवर विद द प्रीवियसली मोल्डेड पार्ट टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी स्कल्टन पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम स्कल्ट पैटर्न स्टिकल तो स्कल्ट पैटर्न में जो स्कल्टन पैटर्न है उसका जो फ्रेमवर्क होता है पैटर्न का वो बिल्ड होता है पीस ऑफ वुड जो कि गिव ओवरऑल सेप ऑफ द कास्टिंग जो कि बना है और फ्रेमवर्क जो होता है वो बना होता है फुल बाय कंपैक्टिंग क्ले रिच मोल्डिंग सैंड के थ्रू इन सैंड इन दैकें ऑफ द फ्रेम वर्क और साथ ही साथ फिनिश करते हैं विद द सुटेबल स्टिकल या टैम्पलेट के थ्रू इसका जो और स्केल्टन जो होता है वो बना विद दैंड फील्ड इसका यूज़ करते हैं पैटर्न फॉर मेकिंग बोल्ट के लिए और इफ़ द हैज इंटरनल डिटेल्स तो सुटेबल स्केल्टन कोर बॉक्स को हम लोग ऑल्सो भी अ बिल्ड टू सेव कास्ट स्कर्टन पैटर्न जो होते हैं काफ़ी सुटेबल होते हैं फॉर वेरी लार्ज कास्टिंग जहाँ पर फुल पैटर्न वुड नीड है लार्ज अमाउंट ऑफ टिम्बर और विल वे वी है वेरी हैवी कॉमन एग्जाम्पल की बात करते हैं यूज ऑफ स्कल्टन पैटर्न इंक्लूड्स ऑयल और वाटर पाइप्स वॉल्स बॉडीज पाइप फिटिंग और इस टाइप के पैटर्न जो होते हैं बेसिकली यूजफुल फॉर ओनली वन जस्ट वन और फ्यू कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस